महाराष्ट्र में भी मचता नजर आ रहा है बवाल और इसको लेकर के शिवसेना ने बोल दिया है बीजेपी पर हमला। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। देखा साफ तौर पर यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर जिस तरह से पीयूष गोयल समेत कई नेताओं के नाम घोषित कर दिए गए हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि अब शिवसेना लगातार बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगा रही है। जहां शिवसेना के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं ऐसा देखा जा रहा है कि शिवसेना ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहां तक के प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त भी की जा सकती है। जी हाँ, और यही देखा जा रहा है कि जो 6 सीटें हैं, जो 6ठी सीट है, खास करके जिस तरह से अलग अलग दल वहां पर है, राष्ट्रीय कांग्रेस है, बीजेपी है, वहां पर शिवसेना है, मनसे है और उसके बाद और भी कई सारे दल हैं, तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सियासी लड़ाई तेज होती नजर आ रही है, सियासी घमान और भी ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। और जिस तरह के हालात इस वक्त महाराष्ट्र में बने हुए हैं, कहीं ना कहीं शिवसेना कहीं ना कहीं बीजेपी से डरी हुई है और उसका डर ही है जो बता रहा है कि बीजेपी शायद आगे आने वाले वक्त में कैंडिडेट्स की खरीद फरोख्त कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए खतरे की घंटी है। और क्या वाकई में बीजेपी ऐसा कुछ करने वाली है? आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।